कुरान हकीम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारक, फिकही मसाइल का बयान और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला जय्यद उलमाए किराम के साथ। जी खुशामदेद, तकरीरी मुकाबला है दहन में जबां तुम्हारे लिए। मैं हूं डॉक्टर सैयद इमरान मदूद। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ तीन कंटेस्टेंट यहां मौजूद होंगे जिनके माबैन मुकाबला होगा। इनके मुकाबले को जज करने के लिए हस्बे रिवायत हमारे साथ तीन मुनसिफीन भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवाता हूँ। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शाहिद मसूद साहब। शाहिद मसूद साहब सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं और इनका तारुफ आप जानते ही हैं, RYQ TV के सीनियर होस्ट भी हैं। शाहिद भाई के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, जामिया कराची में अरसा दराज से तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का भी खैर मकदम है। और डॉक्टर साहब के साथ ही अब मौजूद हैं जनाब आशकार दावर साहब, RYQ TV पर प्रोग्राम होस्ट करते हैं ख्वाबों की दुनिया। हम आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने कंटेस्टेंट का तारुफ भी आपसे करवाता हूँ और फिर मुकाबले की जानिब। आज के मुकाबले में हमारे साथ तीन कंटेस्टेंट मौजूद हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद वल्द मोहम्मद यासीन। मोहम्मद के साथ ही बैठे हैं जनाब अली शेर, आपका भी खैर मकदम है। और साथ ही तशरीफ़ रखती हैं सबरीना इमरान। इन तीनों कंटेस्टेंट के माबैन मुकाबला होगा और जिस मौजू पर मुकाबला होगा वो है बेसहारों का सहारा। और यकीनन हम बेसहारों का सहारा हमारे कमली वाले ही हैं। इसी मुनासबत से हज़रत बेदम शाह वारसी का एक इंतहाई शानदार कलाम के मेरे दिल में तशरीफ़ ला कमली वाले, मेरे दिल में तशरीफ़ ला कमली वाले, ये उजड़ा हुआ घर बसा कमली वाले, ज़रा अपने रुख से कमली उठा कमली वाले, मुझे चांद सा मुख दिखा कमली वाले, सिवा तेरे दर के बता कमली वाले, कहाँ जाए तेरा गदा कमली वाले, तू ही दर्द दिल और तू ही चारा घर है, तू ही दर्द दिल की दवा कमली वाले। क्या कहने जी हजरत बेदम शाह वासी। किसी के साथ मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे अपने पहले मुकर्रर जो कि मोहम्मद बिन मोहम्मद यासीन है, उन्हें रोस्टरूम पर बुलाऊंगा, अपनी तकरीर का आगाज करेंगे। शहर फन की इमारतें अपने ही फनकारों की शोरिश से बोसीदा हो चुकी थी। बेकसों और बेसहारों की उम्मीदें चांद की चांदनी के साथ ही दम तोड़ रही थी। दरगोर होते इंसानों की तराहुम मामेज नजरें आसमान से खाली लौट रही थी। कत्लो गारत और लूट मार पर फख्र किया जाता था। जिसके हाथ में तलवार वही शाहसवार वही सरदार बनता। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर करना आम सी बात थी। समाजी दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उन बेकसों और बेसहारों को ऐसा सहारा मिला कि बियाई जमीन कुतिलत के जरिए उस दहशतगर्दी की नफी करते हुए अम्न को फरोग मिला। हैवानों से बदतर सलूक का शिकार होने वाले गुलामों को दोबारा अशरफुल मखलूकात की मसनत पर बराजमान कर दिया। देखिए मेरे हुजूर के आने से आज भी दुनिया को सेव ब्लैक लाइफ जैसी तंजीमें बनानी पड़ती हैं, मगर मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर किसी काले गोरे अरबी अजमी के इम्तियाज को खत्म करते हुए इंसानियत को फरोग दिया। मजलूमों बेकसों और बेसहारों का ऐसा मदावा किया कि शायर ने कहा, हकीकत की खबर देने बशीर आया नजीर आया, शहनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया, मुबारक हो जमाने को वो खत्मुल मुरसली आया, सरापा करम बनकर रहमतुल लिलालमी आया। मेरे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इनायत तमाम मखलूकात पर यकसा नजर आती है। जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारा लोगों के लिए सहारा बने, वहीं बेजुबान जानवरों की भी मुश्किलात पर नजर करम फरमाई। सो देखिए कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के हुकूक का ख्याल रखते हुए उनके बारे में खुदा से डरने का हुक्म सादिर फरमाते हैं, तो कहीं
ऊंट की शिकायत पर उसके मालिक को तंबी फरमाते हैं, कहीं रियासत मदीना के हाकिम होने के बावजूद मदीना के लोगों का सहारा बनते हुए मिसाक मदीना की तकमील फरमाते हैं। तभी तो शायर कहता है, गरीबों की हिमायत में बराबर बोलने वाला सितमगर के मुकाबिल है, पैगंबर बोलने वाला अरब के सब फसीहों ने खतीबों ने कहा सुनकर, नहीं देखा जहां में आपसे बेहतर बोलने वाला, नहीं देखा जहां में आपसे बेहतर बोलने वाला। शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत मोहम्मद यासीन, बहुत अच्छी तकरीर की आपने माशाल्लाह। अगले मुकर्रर को बुलाऊंगा, अगले मुकर्रर हैं अली शेरवल्द मोहम्मद इमरान, रोस्टम पर आए अपनी तकरीर का आगाज करें। अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएं आका ना मिलेगा, तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज साया ना मिलेगा। जनाब सदर, खुदा अपने आखिरी नबी को वमा अरसलना का इला रहमतुलिल आलमीन बनाकर भेजता है। पैगंबर इनकलाब की आमद होती है कि कुफर के ऐवानों में जलजला बर्पा हो जाता है, लात व मनात की सल्तनत जेरो जबर हो जाती है, हुस्न अखलाक की तस्वीर दुनिया में तशरीफ लाते हैं, गुमराहों के लिए हिदायत, महकूमों के साथी, मजलूमों के हमदर्द, गरीबों के दोस्त, गुलामों के आसरा और बेसहारों के सहारा बनकर। जनाब सदर, तारीख के औराक पर नज़र दौड़ाएं तो हमें रसूल खुदा कहीं नन्हे बच्चे की चुड़िया के इंतकाल पर ताजियत करते नज़र आते हैं, तो कहीं फातह होने के बावजूद अपने चचा के कातिल को माफ़ कर देते हैं, कहीं मदीने की गली में कोई साइल आपको रोककर अपनी फरियाद करता है, तो कहीं दरबार रिसालत में कोई गुलाम अपनी शिकायत लाता है। सरदार दो जहां जो सिसकती चीखों की पुकार सुनते हैं, जो रोती आंखों के आंसू पोंछते हैं। जनाब सदर, जरा तसव्वुर कीजिए वो ज़माना है जाहिलियत के, जहाँ गुलामों को इंसानियत से गिरा हुआ सलूक किया जाता था, वहाँ आपने कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाओ वो इन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो वो इन्हें पहनाओ। वो बेहसरा बच्चियाँ कि जिन्हें पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, आपने उन्हें माशरे का एक इज्जतदार फर्द करार दिया। मोहसिन इंसानियत ने इंसानियत को सबसे बड़ा सहारा खुदा की तौहीद और आखिरत का डर खलके खुदा के दिल में बिठाकर जालिमों और जाबिरों के खौफ से आज़ादी दिलाई। सरदारों, सल्तनतों का जुल्म सहती बेसहारा नस्ल इंसानी को अदल पर मबनी माशरा तश्कील देकर सहारा दिया और उन्हें इस हकीकत से रोशनास करवाया कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदाए वाहिद को जवाब दे हैं कि रहमान की अता है कि यौम हिसाब में हुजूर करेंगे सिफारिश उम्मत के बाब में। दुनिया ये पूछ रही थी कि दुनिया से क्या मिला, मैंने भी कह दिया मोहम्मद जवाब में। मौज़े सामईन, जब सरवर कायनात का सहारा अबू बकर को मिलता है तो वो खलीफत और रसूल मिलते हैं, जब कामिले पीर कामिल का सहारा बिलाल हबशी को मिलता है तो वो मौज़न इस्लाम बनते हैं, जब अरब के जंगजुओं उमर बिन खत्ताब, खालिद बिन वलीद, अमर बिन अल आस और साद बिन अबी वकास को रसूल अरबी का सहारा बनता है तो वो फातहीन आलम बनते हैं कि खुद कुरान ने कसम खाई असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब का जब ये आलम है तो सरदार का आलम क्या होगा। जनाब सदर, आज अगर दुनिया इंसाफ चाहती है तो उसे हेगल, मार्क्स, डार्विन और रोजो के फरसूदा फलसफों के बजाय मोहम्मद अरबी की हयात तैयबा को मानना पड़ेगा कि इंसानियत के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ सैयदना मौलाना व कायदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है। शुक्रिया। ये थे अली, बहुत शानदार तकरीर की अली आपने माशाल्लाह, और आपने कलाम भी पढ़ा उसी ज़मीन पर। आशिकों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब उनके ग़ुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। और जब जब चांद से बढ़कर एड़ी है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। माशाल्लाह, शानदार तकरीर अली। अगली मुकर्रिरा हमारी है सबरीना बिनते इमरान। सबरीना, रोस्टम पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज करें। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फरकान वही यासीन वही तोहा। सदर ज़िवकार, जब कायनात में हर सू दौरे जहालत का आलम छाया था, कुफ्र शिर्क वहशत बरबरियत का गुप्त अंधेरा था, कुफ्र की जुल्मत मुसलमानों पर तारी थी, जहां लोग जहालत आम होने की वजह से भुत परस्ती यानी माबूद हकीकी को छोड़कर पत्थर
درخت چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے, جہاں قتل و غارت عام تھی, جوا شراب نوشی, بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا مذہبی شعار بن چکا تھا, جہاں تہذیب و تمدن اور عقائد و اعمال میں خرابیاں جنم لے چکی تھی. تو ایسے عالم میں ایک نور کی روشنی جگمگاتی ہے جو سارے عالم کو روشن کرتی ہے, جو سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جس کی طرف لگی ہوئی تھی, وہ دو جہاں کے سرکار رسالت نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. مشکل تھے راستے, آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صدر ذوالقار, دنیا میں جب ظلمت اور تاریکی کا گپ اندھیرا تھا, تو اسے مٹانے والے میرے رسول, علم کی تبلیغ کرنے والے میرے رسول, سچ کا پیغام پھیلانے والے میرے رسول, اور حق و صداقت کی روشنی کو جگمگانے والے میرے آقا نے جب اس دنیا فانی میں ظاہری آنکھ کھولی, تو دجال نے اپنی تمام تر مکاری و فریب کے ساتھ دہل جاتا ہے کہ میرے نبی کے آنے سے سجدے کو تقدس ملا, کہ میرے نبی کے آنے سے بے سہاروں کو سہارا ملا, کہ میرے نبی کے آنے سے متقیوں کو انعام ملا, کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے شہیدوں کو شہادت, امت کو شریعت, انسانوں کو رحمت اور قاضیوں کو عدالت مل گئی, کہ وہ پیغمبر انقلاب ہی تو ہیں کہ جو فاتح بھی بنے, حکمران بھی, جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی, کہ جس کے چہرے کو وہ دعا کہا گیا, کہ جس کی زلفوں کو وہ لیل کہا گیا, کہ جس کے سینے پہ علم نشتہ کہا گیا, اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جس کی تعریف میں اللہ رب العزت نے ورفعنا لکا ذکرک کہا, کہ وہ دو جہاں کے عالمین ہیں. صدر ذوالقار, یہ مشکلیں آسان بھی, وہ بے سہاروں کا سہارا بنے. جی, شاندار مقابلہ آج کا بھی, اور بہت اچھے مقرر نسبتاً آج کے مقابلے میں تھے. دیکھتے ہیں ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے, تو میں رائے بھی جاننا چاہوں گا اور پھر فیصلہ بھی جاننا چاہوں گا. آج آغاز کریں گے آشکار دعوت صاحب سے. آشکار دعوت صاحب, کیا رائے ہے آپ کی؟ اچھا مقابلہ دیکھنے کو سننے کو ملا. محمد بن محمد یاسین نے اسٹارٹ اچھا کیا, اور جو مثالیں دیں غلاموں کو سہارا دینے کی, جانوروں کو سہارا دینے کی, تلفظ میں کہیں کہیں آپ گڑبڑ کر گئے تھے. اور علی شیر, آپ سے مجھے شکایت یہ ہے کہ آپ بیٹا آیت جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھا. ہمارا سالہ کا الہ رحمت ال کہا آپ نے, اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں اس کو بڑا مائنڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ قرآن مجید فرقان مجید کی آیات کو صحیح تلفظ سے ادا کیا جائے. قرآن کریم ہے, عربی زبان میں اللہ کے معنی ہوتے ہیں استثناء کے ساتھ, اور الہ کا مطلب ہوتا ہے اس طرف. تو دونوں میں زمین آسمان کا, تو قرآن کی تحریف ہے یہ. تو کبھی اس سے قرآن کو بہتیاتی سے مت پڑھیے, نہیں آتا, خاموش ہو کر آگے نکلیں. اردو میں ترجمہ پڑھ دیں. صبرینہ عمران نے بڑا اچھا اسٹارٹ لیا, اور بہت اچھی پریزنٹیشن تھی جو ہم لوگ چاہتے ہیں. اس طرح آپ نے پریزنٹیشن دیے, آپ کے پچز بڑے اچھے تھے, ججز کو متوجہ کرنا آپ کو آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی رائے؟ میں یہ گزارش کروں گا, بچے اچھے ہیں بہت, لیکن ذرا سے توجہ آپ کو تلفظات کی طرف بھی, اور انداز بیاں اپنی جگہ ہو. صرف آواز کو بلند کرنے سے تقریر نہیں بنتی بیٹا, ذرا سا اس میں یہ توجہ دے رہا ہوتی ہے کہ جو شخص آپ کو سن رہا ہے وہ شخص اس سے کچھ اخذ بھی کرے, یا لے کچھ اس سے کنسیو کرے. وہ غلطیاں تو بہت ساری ہوں گی, سب کی ہوتی ہے, میری بھی ہر ایک کی ہوتی ہے. مخلوقات اور مخلوقات میں فرق ہے, حقیقت اور حقیقت میں فرق ہے. اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں, تو ان کے گھر کو شامل کیوں نہیں کر رہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول دے تو کیا ہے, اور ثواب مل جائے اور ان کی نسبت بھی مل جائے. واہ ڈاکٹر صاحب, ہیں تو یہ تو بات آپ کو خود سوچنی چاہیے نا, ماشاءاللہ. اور پھر قرار اور قرار, اور دفن کر دیا اور دفن کر دیا, بڑا فرق ہے. عدل اور عدل, دونوں میں فرق ہے. تو آپ عدل عدل کہتے رہے, عدل ہے وہ حقیقت. قسم اور قسم میں فرق ہے, دونوں میں. چڑیا چڑیا, وہ آپ نے اچھی بات کہی اس میں. اچھا, نگاہ عشق و مستی میں, ابھی عشق اور عشق و, دونوں میں فرق ہے بہت. کفر کی ظلمت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, رسالت اور رسالت نبوت, تو یہ اضافت لفظی, رسالت نبوت کیا چیز ہے؟
इसको जरा सा सोचिएगा, कदम को और कदम और आका और आका। बेटा ये तो मेरे बच्चों, तुम लोगों की मैं कोई दिलाजारी नहीं कर रहा, इस पर तवज्जो देनी है। इसके बावजूद भी जो लोग हैं मेरे नजदीक सब जीते हुए हैं, क्योंकि सरकार की निस्बत के साथ आए आप। अरे वाह, शाहिद भाई राय आपकी भी जानना चाहूंगा और आज फैसले का ऐलान भी आप ही करें। पहले भाई मोहम्मद, माशाल्लाह इतना खूबसूरत आपका नाम है और तकरीर भी आपने बहुत अच्छी की। ये जो ज़बर का मामला अक्सर हम देखते हैं, उसको सही कीजिए। ज़बान की अदायगी और जो इम्प्रेशन आपका बनता है वो तभी बनता है जब आप खूबसूरती के साथ, लोट नहीं होता, लौट होता है, और नहीं होता, इम्तियाज़ नहीं होता, इम्तियाज़ होता है। आपने बार बार कहा सदर 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 सदर, सदर नहीं होता, सदर होता है। आप इजाफत में ज़बर लगा रहे थे। दूसरा ये कि ऐसा लगा मुझे एकदम से आप आए, किसी से पूछो ना यार रट्टा लगा लिया, याद कर ली, वो कहे हाँ मैंने रट्टा लगा लिया, जल्दी 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 बता दी विदाउट एनी इम्प्रेशन, ठीक है वो रट्टा था, आप खुद देखिएगा। फिर रूश नास नहीं, रूश अनास, रू बरू, तो रूश नास कुछ नहीं होता, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ थी। गप गुप नहीं होता, गुप होता है, वो मुझे मालूम है ज़बान की वजह से, बाज एक्सेंट्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है। जुल्मत जुल्मते पता नहीं क्या था, लेकिन जिल्मत नहीं होता, जुल्मत होता है। छोटी मोटी गलतियाँ हैं ये सब की, बहुत छोटी। मजमूई तौर पे आप लोगों ने अगर काम 100% किया है और 1% 2% 10% भी गलतियाँ की, तो गलतियाँ इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी सलाह ना हो सके, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। आप लोगों ने काम अपना शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह इस काम में आप कामयाब हो जाएंगे। आज तकरीर सबकी अच्छी थी और जैसे कि मेरे मौजूद दोनों जो यहाँ पर जज साहिबान हैं, उन्होंने कहा कि सब जीते हैं, तो सब जीते हैं मजबूरन एक का नाम ले लेते हैं, वो हैं सबरीना इमरान। अरे वाह, तो देखा जा रहा है कि मुस्तकिल तौर पर लड़कियां जो है वो इन मुकाबलों को जीत रही हैं। सबरीना आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। इसी के साथ हमारा आज का राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। आमीन, अल्लाह हाफिज़।